हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सनाज यमी किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी और टेस्टी भरवा भिंडी। इजी रेसिपी है ये, और जब भी आप इस रेसिपी से इसको बनाएंगे तो भिंडी बिल्कुल परफेक्ट और लाजवाब बनेगी। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने ताज़ी 300 ग्राम भिंडी ली है। ध्यान रखें भिंडी खरीदते टाइम कि भिंडी ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली ना हो, और जब हम इसको ऐसे कॉर्नर से तोड़े तो ये आसानी से टूटनी चाहिए। जैसे ये इजीली टूट गई मतलब ये फ्रेश है। मैंने भिंडी को वॉश करके अच्छे से कपड़े से पोंछ कर सुखा लिया है। ध्यान दें कि ये थोड़ी भी गीली नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके आगे और पीछे से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे। और फिर इसके बीच में ऐसे चीरा लगा लेंगे, और इसको ऐसे खोल के चेक भी करते जाएंगे कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। इसी तरह से हम सारी भिंडी को कट करके तैयार कर लेंगे। जब भी हम गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन से घूमने जाते थे तो घर से खाना बनाकर लेकर जाते थे, और मेरी मम्मी इसी सेल से भरवा भिंडी जरूर बनाकर लेकर जाती थी। हम सभी को ये बहुत ही बढ़िया लगती थी, और ट्रैवल करते टाइम ये जल्दी खराब भी नहीं होती है। तो ट्रेन में बहुत ही सुंदर बाहर के नज़ारे, जैसे गांव, नदियाँ और कभी पहाड़ देखते हुए और भरवा भिंडी और पराठे खाते हुए बहुत ही अच्छा सफ़र बीत जाया करता था। वो यादें कभी नहीं जाती। तो मैंने सारी भिंडी को कट करके तैयार कर लिया है। चलिए अब भिंडी को स्टफ़ करने के लिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। हम इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। बेसन डालने से मसाले में बाइंडिंग आ जाती है, और जब हम भिंडी बनाते हैं तो मसाला भिंडी से निकलता नहीं है। हमें इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही पकाना है। इसका कलर नहीं चेंज करना है। इसमें बस 1.5-2 मिनट ही लगेंगे। बेसन डालने से भरवा भिंडी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब अच्छी सी खुशबू आ रही है, बेसन भुन गया है, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से भिंडी लेसी और चिपचिपी नहीं बनती है। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसमें जाएगी 1 बड़ा चम्मच कूटी हुई सौंफ। इससे भरवा भिंडी बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है, और इससे सब्जी का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1.5 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला भिंडी में भरने के लिए तैयार हो गया है। अब हम एक एक करके सारी भिंडी में मसाला ऐड करेंगे। हम एक भिंडी लेंगे और इसको हल्का सा खोलेंगे और इसमें मसाला डालेंगे। मसाला इसको हल्का सा दबाते हुए डालेंगे जिससे ये बाहर ना निकले। मसाला डालने के बाद भिंडी को हम इस तरह से हल्का सा दबाते हुए बंद कर देंगे। इसी तरह हम सभी भिंडी को मसाला भरकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ मैंने सभी भिंडी के अंदर मसाला डाल लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और मैंने इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच तेल। आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल गरम हो गया है
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा। मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें सारी भिंडी ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखें। पहले हम भिंडी को थोड़ा सा नीचे से सिकने देंगे और अब हम इसको हल्के हाथ से चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमें इसको 6-7 मिनट के लिए ढककर पकाना है। ढकने से सब्जी जल्दी बन जाती है। हम इसको बीच बीच में 1-2 बार ओपन करके चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं। 3 मिनट बाद कवर ओपन कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से भिंडी पकने लगी है, तो अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी, बस 1 चम्मच के करीब, साइड साइड में डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। इसको मिक्स कर लेंगे। और ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए इसके लिए हम इसको 3-4 मिनट के लिए ढककर फिर से पकाएंगे। भिंडी जल्दी पक जाती है। 4 मिनट बाद कवर ओपन कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसको मिक्स कर लेंगे। भिंडी ऑलमोस्ट पक गई है, तो बस अब हम इसको ओपन करके 1-1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्लोली चलाते हुए पका लेंगे ताकि ये पूरी तरह से पक जाए। लगभग 1.5 मिनट बाद रेडी हो गई है बहुत ही बढ़िया भरवा भिंडी। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये खाने में इतनी ज़्यादा यमी लगती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसको चपाती, पराठा, चावल दाल, नान किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।